दोस्तों ड्यू जाट की थर्ड एडमिशन लिस्ट या फिर कहें थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट डिक्लेयर कर दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर आपका नाम उस लिस्ट में है तो आप एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके अलावा दोस्तों कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनको फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हो रही है और कुछ ऐसे होंगे जिनमें जिनकी सीट में अपग्रेडेशन हो रहा है, तो वो अपने लॉगिन डैशबोर्ड में जाके चेक कर सकते हैं और जो एडमिशन लिस्ट का PDF है उसमें भी चेक कर सकते हैं कि आपका नाम आया है या फिर आपका सीट अपग्रेड हुई है या नहीं। जिनकी सीट अपग्रेड हुई है उनका जो सेकंड अलॉटमेंट है यानी जो सेकंड लिस्ट में अलॉटमेंट कॉलेज हुआ था वो ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाता है। तो हम चलते हैं सबसे पहले DU की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वेबसाइट पर जाने के बाद एडमिशन 2019 के लिंक पर हम जाएंगे। इस लिंक पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 3 लाइन बॉक्स पे क्लिक करके अंडर ग्रेजुएट एडमिशन पे क्लिक करना है। अपने पेज को रिफ्रेश कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं BBS BBA B ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स लिस्ट पब्लिश ऑन अगस्त 17। तो इसको हम ओपन कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो ऑफिशियल डेट थी फ्राइडे की थी यानी अगस्त 16 की थी, बट ये अगस्त 17 को आइए तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो शेड्यूल है वो चेंज नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो DU अपने वेबसाइट पर बता देता। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की यहाँ पे शुरुआत हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे कॉलेज का प्रेफरेंस लिखा हुआ है, कैटेगरी कैंडिडेट की लिखी हुई है। तो आप कट ऑफ भी चेक कर सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी मतलब लास्ट कैंडिडेट हैं उसके कितने मार्क्स हैं यानी कितनी रैंक है उसकी, वो भी आप चेक कर सकते हैं। मार्क्स आप जो एडमिशन रिजल्ट आया था उसमें जाके उस कैंडिडेट का नाम सर्च कर सकते हैं और मार्क्स आपको वहाँ से पता चल जाएंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बता दिया, आपके लॉगिन डैशबोर्ड पे जाना है, अप्लाई फॉर एडमिशन पे क्लिक करना है, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वगैरह मांगेगा वो अपलोड कर दीजिएगा। फिर अगर कोई डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी होगी तो आपको फ़ोन आएगा या मेल आएगा, ठीक है। तो फ़ोन और ईमेल दोनों चीज़ें एक्टिव रखिएगा, और अगर डिस्क्रिपेंसी नहीं होगी तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, उसके बाद आपको पेमेंट कर देनी है। एक बार मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ जो रिवाइज शेड्यूल रिलीज हुआ था ऑफिशियल वेबसाइट पे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड अलॉटमेंट हालांकि 16 अगस्त डेट थी लेकिन 17 अगस्त को आया है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि डेट कोई चेंज नहीं होगी। तो आप 20 अगस्त से पहले पहले अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करवा लीजिए। पेमेंट की लास्ट डेट 20 अगस्त 12 बजे तक की है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पर है कि अभी फ़िलहाल 3 लिस्ट का शेड्यूल था और 3rd लिस्ट में जिन जिनका नाम आया है या अपग्रेड हुआ है अगर वो अभी भी संतुष्ट नहीं है अपने कॉलेज से तो यहाँ पर फ़िलहाल तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं दे रखी है अपग्रेडेशन की। तो आप फ़ीस तो पेमेंट करना आपको कंपलसरी ही है, फ़ीस पेमेंट करेंगे तभी अगले राउंड में आपको कंसिडर किया जाएगा यदि अगला राउंड आता है तो आप फ़ीस पे कर दीजिए, उसी के बाद चेक करते हैं कि यहाँ पर अपग्रेडेशन की फैसिलिटी होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।